सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है। आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक प्रीसेट। प्रीसेट का नाम है Q&A ऑरेंज। डिस्प्ले पे आप देख ही सकते हो प्रीसेट कैसा दिखने में मक्खन जैसा लग रहा है। जूम करके दिखा देता हूँ, एक देख सकते हो दिखने में कितना मक्खन जैसा लग रहा है। तो ये देख सकते हो, ये रहा प्रीसेट। तो इस प्रीसेट को क्या करेंगे, लाइटरूम में इंपोर्ट कर देंगे और ये प्रीसेट देखते हैं कैसे वर्क करता है। ओ तो इस प्रीसेट को क्या करेंगे, ये देख सकते हो यहाँ पे शेयर है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइटरूम में इंपोर्ट कर देंगे। आप क्या करते हैं, लाइटरूम में जाके दिखा देता हो कि इस ये वाले प्रीसेट को कैसे यूज करने का है वो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो देख सकते हो फोटो को लाइटरूम में इंपोर्ट कर दिया है। देख सकते हो ये वाला प्रीसेट है, इस प्रीसेट को लाइटरूम में इंपोर्ट कर दिया है। तो क्या करता हूँ, ये जो अपना रॉ फोटो है इस फोटो को ओपन करता हूँ। देख सकते हो रॉ फोटो को ओपन कर दिया है। तो क्या करेंगे, जो प्रीसेट है अपना ये देख सकते हो, ये वाला प्रीसेट देख सकते हो Q&A ऑरेंज करके ये VST, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर कौन से प्रीसेट पे अगर वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट पे बताओ या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो। तो देख सकते हो ये रहा प्रीसेट। तो इस प्रीसेट को क्या करेंगे, ये वाला 3 डॉट इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हो कॉपी सेटिंग रहेगा, कॉपी सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेटिंग देख सकते हो, यहाँ पे ज्योमेट्री और टूल्स को सिलेक्ट नहीं किया है, बाकी सब सिलेक्ट करके रखा है और यहाँ से डन कर देंगे। देख सकते हो सेटिंग कॉपी करके आ गया। फिर ये वाला फोटो, ये वाला ओपन करेंगे। तो प्रीसेट कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आप यूट्यूबर हो तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है कि प्रीसेट कैसे क्रिएट करते हैं खुद का जो रहता है ना, मैंने कैसे मेरे नाम को खुद का बनाया है वैसे कैसे क्रिएट करते हैं, उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 डॉट पिक करेंगे और ये देख सकते हो यहाँ पे प्रीसेट करके रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हो लोडिंग हो रहा है। तो देख सकते हो एक ही क्लिक में कितना मक्खन जैसा हो रहा है। तो बिफोर दिखा देता हूँ एक बार। देख सकते हो ये रहा बिफोर, देख लो ये वाला बिफोर है और ये देख सकते हो आफ्टर। तो फोटो देख लो दिखने में कितना मक्खन जैसा लग रहा है, एकदम फुल मक्खन जैसा लग रहा है। तो ये देख सकते हो ये वाला फोटो। तो आप बोलेंगे कि यही फोटो पे, ये वाला फोटो था तो यही फोटो पे किया। तो मैं क्या करता हूँ और 2 रॉ फोटो इसमें इंपुट करता हूँ और इंपुट करने के बाद उस फोटो को भी मैं दिखा दूंगा कि दूसरे फोटो पे भी कैसे ये वर्क करता है। वो ज़्यादातर ग्रीन रहेगा ना ग्रीन, तो ये वाला देख सकते हो ये वाला ग्रीन था, इसलिए बिफोर देख सकता हूँ। ये देखते बिल्कुल ग्रीन था ना, तो ग्रीन में ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। बाकी सब अभी से ग्रीन नहीं होगा तो इतना अच्छे से नहीं होगा। आपको मैनुअली यहाँ पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ सेटिंग है, देख सकते हो यह करने के लिए कुछ एक्सप्लोर या कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देख सकते हो और सेटिंग देख सकते हो आप, बराबर है सब, ये देख लो। सेटिंग दिखा दे रहा हूँ, एक देख लो, देख सकते हो ये वाला। तो मैं और दूसरे जो ग्रीन कलर नहीं होता उसे भी आपको यहाँ से मैनुअली करना पड़ेगा। बाकी मैं 2 फोटो इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ कि उस पर भी ये प्रीसेट कैसे वर्क करता है। ओ तो देख सकते हो फोटो को, तो ये देख सकते हो ये 2 फोटो को मैंने रॉ फोटो को लाइटरूम में इंपोर्ट कर दिया है। तो देख सकते हो ये रहा फोटो, इस फोटो को ओपन करते हैं डायरेक्टली, देख सकते हो ये देख सकते हो रॉ वाला फोटो है और इसके बैकग्राउंड देख सकते हो ग्रीन कलर का है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो प्रीसेट था ये वाला, थ्रिलर पर जाऊँगा। थ्रिलर पर जाने के बाद देख सकते हो कॉपी सेटिंग पर क्लिक करूँगा, यहाँ से सब सेटिंग देख सकते हो और यहाँ से मैं डन कर दूँगा। देख सकते हो यहाँ पर कॉपी सेटिंग करके आ गया, वो वाला पिक्चर ओपन करूँगा कुछ इस तरह से। देख सकते हो इसके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर ऑलरेडी है। तो देख सकते हो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और पेस्ट सेटिंग कर दूँगा। तो देख सकते हो लोड हो रहा है। तो देख सकते हो एक ही क्लिक में, देख सकते हो जूम करके दिखा देता हूँ, तो जूम करके देख लो एक ही क्लिक में कितना मक्खन जैसा हो गया। बिफोर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो ये रहा बिफोर और आफ्टर देख लो, ये देख सकते हो ये रहा आफ्टर। तो दिखने में देख सकते हो कितना मक्खन जैसा लग रहा है। बाकी जब आप उनको थोड़ा फेस वाइड करना रहेगा तो इधर से आप फेस भी इसका वाइट कर सकते हो। विग्नेट ऐड करना रहेगा तो आप मैनुअली फिर यहाँ से
विग्नेट आर ऐड करना रहेगा, तो यहाँ से आप भी कर सकते हो। कुछ इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो देख लो फोटो दिखने में कैसा दिख रहा है, तो मक्खन जैसा। एक बार और दिखा देते हो, देख सकते हो बिग बार वही, मतलब बिफोर आफ्टर देखने का ही मन कर रहा है। सिर्फ देख सकते हो इतना अच्छा फोटो दिख रहा है। देख सकते हो ये रहा बिफोर, और ये देख सकते हो आफ्टर, ये देख सकते हो बिफोर, ये देख सकते हो आफ्टर। सिर्फ ऐसे ही देखने का मन कर रहा है, इतना अच्छा फोटो वर्क, ये अपना प्रीसेट है जो वर्क कर रहा है। तो देख सकते हो इसमें भी एक मैं दिखा देता हूँ, थ्रेड पे क्लिक करूँगा और ये देख सकते हो यहाँ पे पेज सेटिंग। तो देख लो मैंने बोला था ना, जहाँ पे ग्रीन अपना ग्रीन रहेगा वहाँ पे ये थोड़ा अच्छे से वर्क करेगा, और जहाँ पे नहीं होगा थोड़ा उसको मैनुअली करना होगा। तो देख लो यहाँ ये भी फोटो दिखने में कितना मक्खन जैसा लग रहा है। देख लो ये देख सकते हो ये रहा बिफोर, और ये देख सकते हो आफ्टर। तो ये भी फोटो दिखने में कितना मक्खन जैसा लग रहा है, देख लो। तो इस फोटो को क्या करेंगे, ये देख सकते हो बिफोर आफ्टर, तो इसको थोड़ा मैनुअली करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा खुद को थोड़ा लाइट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने मुताबिक से। देखो मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ, इसके मुताबिक से आपको भी। करना होगा कुछ इस तरह से, थोड़ा विग्नेट भी ऐड करेंगे, और ब्राइटनेस इसका कुछ हो गया है तो एक्सपोजर को थोड़ा कमी कर लेंगे, कुछ इस तरह से शैडो को कुछ इस तरह से कमी कर लेते हैं, और यहाँ से डन कर देखते हैं। अब दिखा देते हो बिफोर, देख सकते हो ये रहा बिफोर, और देख सकते हो आफ्टर। मतलब ये प्रीसेट इतने अच्छे से वर्क कर रहा है ना, सिंपली बिफोर आफ्टर देखने का ही मन कर रहा है। देख सकते हो ये रहा, देख सकते हो एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो ये रहा बिफोर, और ये देख सकते हो ये रहा आफ्टर। भाई कितना मस्त दिख रहा है दिखने में, तो देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है। तो ये वाला प्रीसेट है, तो ये प्रीसेट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर कौन से प्रीसेट पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, या इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, पर वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगेगा, एक लाइक तो बनता ही है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।